I heartily invite our chairman, Mr. Muhammad Yusuf Mahato, and have full light on the Jamia history. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wal-salam ala khatim al-nabiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayrakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amantu billahi sadaqallahu mawlana azim. Muazzaz wa muhtaram mehmanani girami, muazzaz asatiza kiram, aziz talaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Jaisa ki maine is qoum ke samne hamesha is idare ka taaruf shuru se hi ओपनली रखा है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम कायम हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रहेंगे। असल में जो इदारा है जामे सिराजुल उलूम, हमारे शोपियान में एक पीर बुजुर्ग, सोफी बुजुर्ग, जिसका मकबरा हमारे इस गेट के सामने है और गेट खोलते ही हमें उसके फोटो पर नजर पड़ती है, अलहाज पीर गुल मोहम्मद सोफी, जो अपनी उम्र भर जो उसने कमाई की हुई है और उस कमाई में उसने ये सारा अहाता 121 कनाल जमीन पर मुश्तमिल रकबा खरीद लिया और इसे कौम के लिए वक्फ किया और उसने बेहतर और मौजूद सिलेक्शन की। उस वक्त उसने एक ट्रस्ट बनाया जामे सिराजुल उलूम ट्रस्ट, जो आज सिराजुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से मारूफ है और रजिस्टर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी सोसाइटी के तहत आज तक ये इदारा अपने मंसूबों पर रवा दवा है। 1998 में यहाँ इस सरजमीन पर इसकी बुनियाद पड़ी, 2000 में इसके तालीमी प्रोग्राम का आगाज हुआ 6 क्लास से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में हाई स्कूल की शक्ल इस इदारे ने तैयार की, फिर हायर सेकेंडरी, अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज भी कायम है जहां बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की जो देन है आज तक के स्मॉल पीरियड में, मुख्तसर पीरियड में इस इदारे ने, जैसा कि मुझे याद आता है 2 साल पहले लाल किले पर झंडा लहराते हुए मोहतरम वजीर आजम हिंदुस्तान ने अपनी तकरीर, अपनी भाषण में मुसलमानों के लिए ये खुशायन और मुस्तहकम बात की कि आज का मुसलमान तभी अपने मुस्तकबिल रोशन कर सकता है जब उसके हाथ में, एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में साइंस। तो इस लिहाज से हमने जो इस इदारे के लिए तालीमी प्रोग्राम बनाया है, तो उसका अगर महासिल हम आज देखेंगे, इस इदारे ने हाफिज कलामुल्लाह भी पैदा किया और वो हाफिज कलामुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह MBBS भी कर चुके, MD भी कर चुके, इंजीनियरिंग भी कर चुके और मुख्तलिफ गोशों में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते गए। आज मैं फख्र से कहूंगा इस इदारे के कुछ बच्चे अमेरिका में, कनाडा में, बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं
ये तभी है जब इस इदारे ने उन्हें उसके लिए तैयार किया। तो ये बात हम कतई से कह रहे हैं, हम चाहते हैं ये नेशन आगे बढ़े, ये कौम आगे बढ़े, इस कौम में एक सालिया माशरा वजूद में आए। सालिया माशरा क्या वजूद में आएगा, अमन भी होगा, पुरअमन माशरा तामीर होगा, और वही पुरअमन माशरा आगे चलकर कौम का अच्छा तामीर करेगा। मगर ये तभी हो सकता है, ये तभी मुमकिन है जब हम अपने इन नौहे नहालों को तालीम की रोशनी से आगाह करें। जहां तक आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी भी उनके सामने हो, दुनिया के जो मुख्तलिफ जदीद उलूम है उनसे भी आश्कारा हूं, मगर उसके साथ साथ जब तक इन्हें मॉरल एजुकेशन न दी जाए, मॉरल एजुकेशन न दी जाए तो ये माशी हैवान बन जाते हैं। अगर इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन हो, इखलाकी तालीम हो और टेक्नोलॉजी में ये कितना आगे बढ़े, यही तामीर कौम की करेंगे। अगर इनके साथ इस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ इखलाकी तालीम न हो, ये सिर्फ माशी हैवान बनेंगे, ये इंसानियत की कुछ खिदमत नहीं कर सकते। जैसा कि आज हम सारी दुनिया में देख रहे हैं, कोई भी मुल्क हो, मुस्लिम ममालिक हो, गैर मुस्लिम ममालिक हो, दुनिया के सारे नक्शे पर हम नजर डालेंगे, जहां इखलाकियात जिंदा है वहां उस मुल्क की बेटी बाइज्जत तौर जिंदगी गुजार रही है। जहां इखलाकियात का जनाजा निकला है वहां उस मुल्क की बेटी का इज्जत लौटा जा रहा है। ये आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी दुनिया के नक्शे में किसी मुल्क के पर हम नजर दौड़ाए, जहां जहां इखलाकियात की तरफ तवज्जा दिया जा रहा है वहां पर अमन माशरा वजूद में आने का इशारा मिल रहा है। जहां इखलाकियात का जनाजा निकाला गया है वहां इंसान का इज्जत महफूज नहीं है। हम यही सालिया माशरा, पुरअमन माशरा, तरक्की पजीर माशरा कायम करने के लिए अपने इन बच्चों के इस्लाह से जो जरूरियात है, जिस तालीम की जरूरत है, गौर करके, तहकीक करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और इस लिहाज से हमने तालीमी निज़ाम यहाँ तश्कील दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कार्बन उसी पर है, तो आगे भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रहेंगे। मगर हम चाहते हैं इसको कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए लोगों की ही जरूरत नहीं है, इस प्रोग्राम को वक्त की हुकूमत भी साथ दे। हमने बारह दावत दे दी, आइए इस प्रोग्राम, इस इदारे को मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ये बोर्डिंग इदारा है, 24 आवर्स मॉनिटर कीजिए हम क्या कर रहे हैं। एक लगा बंदा प्रोग्राम है, राउंड ओ क्लॉक, एक टाइम टेबल फ्रेम है, ये बच्चे नींद से कब उठते हैं, वजू कब करते हैं, नमाज कब पढ़ते हैं, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल की तालीम, 12:30 के बाद ये लंच होता है और नमाज होती है 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद उन्हें चाय नोशी और असर का नमाज और खेलकूद के लिए 1.5-2 घंटा वक्फा दिया जाता है, फिर मगरिब की नमाज होती है और उसके बाद होमवर्क और इशा की नमाज के बाद शब बखैर। ये हमारा लगा बंदा टाइम टेबल है। तो आइए देखिए, परखिए, शक की नजरों से इस इदारे को मत देखिए,
देखिए, एग्जामिन कीजिए, हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमारी कोशिशें क्या आज तक हासिल हुआ है। अगर कहीं खामियां नजर आए हम मशकूर होंगे, किसी भी तबके से हम मशकूर होंगे। अगर हमारा कहीं कोई कदम गलत होगा हम सही करने की कोशिश करेंगे, मगर हमारा तो मदद कीजिए ना, हमें तो देखिए ना, हमें तो परखिए ना, बिना परखे हम पर तामते मत लगाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।